नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज मैं भारत मोबिलिटी एक्सपो में एक ऐसे जगह में आ पहुंचा हूं विच इज काइंड ऑफ हाउस होल्ड नेम। आप भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाए, ये जो कैंप है दिस इज ऑफ मॉन्ट्रा। लेकिन अगर मॉन्ट्रा के थोड़े फैमिली की ओर आए तो दे हैव द BSA एंड हर्क्यूलिस साइकिल्स एज वेल। तो आज मेरे साथ मिस्टर खन्ना जी जुड़ चुके हैं, हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TI साइकिल्स, और हम बात करेंगे ऑन द प्रोडक्ट्स हियर और ऑल्सो ओवरऑल साइकिलिंग का जो मार्केट है वो कैसे उभर रहा है भारत में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मॉन्ट्रा इज योर ई बाइकिंग कैटेगरी, तो इस जगह पे ओवरऑल अभी मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर पिकिंग अप मोमेंटम? मॉन्ट्रा हमारा परफॉर्मेंस बाइक और ई बाइसिकल के लिए ब्रांड है, और ये दोनों कैटेगरीज जो हैं काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर। और आज हम इस भारत मोबिलिटी शो के अंदर जो हमने अपना स्टॉल लगाया है, इसमें अपनी नई टेक्नोलॉजी शोकेस कर रहे हैं, जो ई बाइसिकल के लिए भी है और हाई एंड बाइसिकल्स के लिए भी है। ओवरऑल कंज्यूमर रिस्पॉन्स इज़ गुड, और हमने लगभग पिछले 5 या 6 महीने पहले जब हमने इसको लॉन्च किया था नए मॉडल्स को, तो हमें पैन इंडिया से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमारे पास तकरीबन 1200 डीलर का नेटवर्क है और ऑलमोस्ट 50% नेटवर्क के अंदर हमने ये प्रोडक्ट को प्लेस किया है। कंज्यूमर फीडबैक भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव रिव्यूज है। सर Tier 2 Tier 3 की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मोबिलिटी, साइकिल एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है और वहाँ पे BSA और हर्क्यूलिस ने जो किया है इसको तारुफ की ज़रूरत नहीं। तो ओवरऑल हाउ डू यू सी, ओवरऑल हमने देखा है पिछले साल टू व्हीलर मार्केट जो मोबिलिटी की बात करते हैं वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, डू यू सी अ डेंट ऑन साइकिल्स या साइकिल अपने मोमेंटम पे चल रहे हैं? टू व्हीलर पर से ऐसा का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इस साल भी अगर हम देखें तो ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड बढ़ी है, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड साइकिल्स की बढ़ी है। कोरोना के टाइम में एक थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ ज़रूर आया था क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, काफ़ी लोग अभी हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी प्रेफरेंस है बाइसिकल के लिए एज अ फॉर कम्यूटिंग एज वेल एज फॉर द फिटनेस। ई बाइसिकल की अगर हम बात करें तो अभी इसका अडेप्शन रेट शुरू हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह के हम नए प्रोडक्ट और नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं इससे अडेप्शन रेट और फास्ट होगा। मतलब दीज वर्ड्स आर एनकरेजिंग ओवरऑल मार्केट के लिए। लेकिन अगर मॉन्ट्रा ब्रांड की बात करें, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन प्लेयर्स? आप मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, तो किस टाइप का प्राइस डिफरेंशियल बेनिफिट होता है कस्टमर को, और आप किस टाइप की टेक्नोलॉजी पे आने वाले टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस अपने कंज्यूमर्स को देना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, यहाँ पे बात है एक अच्छी सर्विस की, यहाँ पे बात है एक अच्छी ओवरऑल डिलीवरी की, यहाँ पे बात है एक भरोसे की, जो 75 साल से TI साइकिल्स ऑफ इंडिया दे रही है अपने कंज्यूमर्स को, उसी को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। जहाँ तक प्रोडक्ट की बात करें, हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो बेस्ट इन क्लास हैं। आप जहाँ देख सकते हैं कि हम दो तरीके की टेक्नोलॉजी पेश कर रहे हैं, एक है बैटरी इनसाइड और एक है बैटरी आउटसाइड, दोनों में अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को मिल रहा है। इसके अलावा जो इसकी कॉम्पोनेंट्री है और जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली इनहाउस है, जो कंज्यूमर को एक बहुत ही अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा सर्विस की, तो हमारे पास जो हमारा डीलर नेटवर्क है, इसके अलावा हमने और भी कई जगह पे सर्विस टाई अप किए हैं, तो जहाँ पे कंज्यूमर को सर्विस के लिए मैं दिनों की बात नहीं करूंगा, घंटों से ज़्यादा वेट ना करना पड़े, और ये सर्विस उनको घर में ही उनको प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। दैट इज़ हाउ वी हैव टाइड अप द अरेंजमेंट। इसके अलावा जो बाकी एक्सपीरियंस होते हैं लाइक ईजी EMI ऑप्शंस या और तरीके की जो सुविधाएं हैं वो भी प्रोडक्ट में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू कम बैक टू TI साइकिल्स और द एरिया ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।